हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, जिस तरह से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जरूरी है, उसी तरह से एमएस पावर पॉइंट भी जरूरी है। आज से हम स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस पावर पॉइंट में यूज होने वाले सारे बेसिक और एडवांस शॉर्टकट कीज के बारे में बता दिया है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप आसानी से उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट को कैसे सीक्रेट बिना माउस के और काफी सारे तरीकों से कैसे आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पीपीटी को ओपन करने के लिए टोटल 8 तरीके बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा तरीका है सर्च बार। आप या तो विंडो 7, 8 या विंडो 10 या किसी भी वर्जन का विंडो आप यूज कर रहे हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे सर्च बार में आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। मैं यहां पर पावर पॉइंट सर्च करता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 सबसे फर्स्ट में आ रहा है। आप यहां से आसानी से इंटरफेस कर इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रूल जो था सर्च बार में सर्च कर आप पावर पॉइंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूल है पिन टू स्टार्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप विंडो 8 यूजर हैं, तो आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर प्रेस करते हैं, तो आपके सामने स्टार्ट का एक विंडो ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टार्ट के विंडो में आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शो करे, तो आप इसके लिए सर्च बार में पावर पॉइंट को सर्च करें और उसके बाद यहाँ पर माउस का अपना कर्सर लाकर माउस का लेफ्ट नहीं राइट की प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पिन टू स्टार्ट। आप जैसे ही इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्टार्ट विंडो में पावर पॉइंट का आइकन शो करने लगा। आप इस पे सिंपली जैसे ही आप करते हैं, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने का दो तरीकों को सीख लिया। अब हम पावर पॉइंट को ओपन करने का तीसरा नियम सीखेंगे। इसके लिए भी आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पावर पॉइंट सर्च करना है। यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट नहीं राइट की प्रेस करना है, और जैसे ही आप राइट की प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन है पिन टू टास्क बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा नीचे टास्क बार दिया हुआ है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का आइकन इसमें शो करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस टास्क बार से इस आइकन को हटाना, तो आप सिंपली टास्क बार में इस आइकन पर राइट की प्रेस करें, और आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपको पोर्ट नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, हमारा पावर पॉइंट का आइकन इस टास्क बार से हट गया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा स्टार्ट विंडो से भी अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का आइकन हट जाए, तो आपको सिंपली पावर पॉइंट को सर्च करना है और उसी तरह जिस प्रोसेस के थ्रू आपने यहाँ पर इसे लगाया है, आप उसी प्रोसेस के थ्रू आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं। इसके लिए आपको राइट की प्रेस करना है और अनपिन टू स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये स्टार्ट मेनू विंडो से ये आइकन हट गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने का तीन बेसिक तरीके को। अब हम कुछ एडवांस रूल सीखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है रन कमांड के थ्रू। सेकेंड, कीबोर्ड द्वारा आप बिना माउस के यूज किए आप कीबोर्ड द्वारा कैसे शॉर्टकट की क्रिएट कर पीपीटी को ओपन कर सकते हैं। थर्ड रूल है सीएमडी के थ्रू, यानी कमांड के थ्रू आप कैसे पीपीटी को ओपन कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है आप कैसे पावर पॉइंट के आइकन को अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। चलिए सीखते हैं पहले रन कमांड के द्वारा आप कैसे पावर पॉइंट को ओपन करें। इसके लिए आपको रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के दो रूल है। आप या तो विंडो स्टार्ट बटन प्रेस कर यहाँ पर रन सर्च कर यहाँ पे आप रन कमांड को ओपन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से विंडो बटन और आर बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने रन का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है पावर PNT और उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब हम सीखेंगे पावर पॉइंट को बिना माउस के कैसे ओपन करें, यानी आप पावर पॉइंट को ओपन करने का खुद से आप शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट की नहीं होता है। शॉर्टकट की से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए हम पहले पावर पॉइंट को
स्टार्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है पावर पॉइंट। जैसे आप पावर पॉइंट सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 लिखा हुआ शो करेगा। इसमें आपको माउस का राइट की प्रेस करना है और यहाँ पे आपको जाना है ओपन फाइल लोकेशन पर। जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशन आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल है आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन शो करेंगे। आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको सिंपली इस पर फिर से माउस का राइट की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। जैसे ही आप माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको इसमें जनरल के राइट साइड में एक शॉर्टकट का टैब शो करेगा। सिंपली आपको शॉर्टकट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की के नेम से एक सर्च बॉक्स शो करेगा। इसमें आपको नन दिखा हुआ शो करेगा। आप जिस भी लेटर से शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बस वो लेटर प्रेस करना है। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में 1 to 8 to J टोटल 26 लेटर होते हैं। आप 26 लेटर में से कोई भी एक लेटर प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एच प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बस यहाँ पर एच प्रेस किया, कंट्रोल और अल्ट इसमें खुद से फिल हो गया। इस तरह से ये हमारा शॉर्टकट की क्रिएट हो गया। इसमें आप कंट्रोल अल्ट प्लस एच को कीबोर्ड से प्रेस कर ओपन कर सकते हैं या अल्ट कंट्रोल प्लस एच को भी कर सकते हैं। यानी आप कंट्रोल अल्ट या अल्ट कंट्रोल कर सकते हैं और अंत में आपको एच प्रेस करना है। सबसे पहले इसे हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर प्रेस करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये शॉर्टकट की क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट एच प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये पीपीटी ओपन हो चुका है। इस तरह से आपने सीखा अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से कैसे पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कमांड। आप किस तरीके से कमांड के थ्रू पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है TMD। जैसे आप TMD प्रेस करते हैं तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन शो करेगा। सिंपली आपको इंटर, जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कमांड का विंडो ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट के डायलॉग बॉक्स, आप उस एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं जिस एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पीपीटी को यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट PowerPoint। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कमांड के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो गया है। अब आप इसे क्लोज कर दें और अगर आप चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के डायलॉग बॉक्स को भी ऑफ करें वो भी कमांड के द्वारा, तो आपको इसके लिए टाइप करना होगा EXIT यानी एग्जिट, उसके बाद इंटर प्रेस करें। इस तरह से आपने सीखा आप किस तरह से कमांड के द्वारा अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं पावर पॉइंट को सबसे आसानी से ओपन करने का तरीका। इसके लिए आपको अपने पावर पॉइंट के आइकन को सिंपली डेस्कटॉप पर रख लेना है, जिससे आप आसानी से जब मन चाहे तब आप पावर पॉइंट को बिना किसी झंझट के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर पावर पॉइंट के आइकन को कैसे लाते हैं चलिए सीखते हैं। इसके लिए आपको सिंपली विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सेम वही प्रोसेस पावर पॉइंट को सर्च करना है। यहाँ पर आपको फिर से ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ से कट कर दूंगा। उसके बाद आप डेस्कटॉप पर अपने माउस के राइट की से यहाँ पर पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन पेस्ट हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से इसे ओपन कर इसमें कुछ भी क्रिएट कर इसे सेव कर इसमें वर्क कर सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।